अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे। जी नया दिन, नया व्लॉग और हम वेले लोग तो आज का सलाम हम लोग इस तरीके से करेंगे, कुछ न्यू होना चाहिए। यार एक तो लाइट्स अच्छी नहीं पड़ती ना, मुझे समझ नहीं आती। और फाइनली आज मैंने दुपट्टा भी चेंज कर लिया है तो शादी कौन करने मिला बेबी शाहजीन, क्या कर रही हैं आप? कलर शाहजीन। तो जिस सुबह उठ के मैंने सफाई सफाई की, उसके बाद मैं फ्रेंड के घर चली गई थी, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, उसके बाद आके मैंने जल्दी से खाना बनाया क्योंकि हस्बैंड ने बोला आज मैं नहीं जा रहा स्टोर के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहीं बाहर जाना था, जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ कलेजी और यहाँ पे मैंने दो प्याज काटी, उनको ब्राउन करूँगी और कलेजी मैंने फ्राई करके रख दी है अदरक लहसुन में, ज़्यादातर तो बच्चों ने और मैंने खा लिए। तो खैर ये जो बच गई है, वैसे घर में कोई ऐसे खाता नहीं है सालन के तौर पर, तो वैसे खा लेते हैं फिर भी। तो मैंने वो अदरक लहसुन के साथ ब्राउन कर लिए, भून लिए और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और अभी मैं काटूँगी दो तीन टमाटर। अच्छा मैंने सिर्फ अदरक लहसुन पीसा था पहले और उसके बाद जब कलेजी में डाली अदरक लहसुन, उसके बाद इसमें मैंने जो है ना ज़ीरा, साबुत धनिया और दो हरी मिर्ची ये भी डाल के पीस ली है। तो अभी ये भी इसमें मसाले में ऐड करेंगे। तो बस मैं यहाँ से अभी दो चार टमाटर ले कर वो काटूँगी और फिर साथ साथ आपको बताती हूँ। ये ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें ये वाला बचा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे, ये ज़रा ब्राउन हो जाए उसके बाद। आज ये मेरी हांडी की या पतीले की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, ये तो आज बिल्कुल ढोल की तरह बज रहा है। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है लेने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लूँ क्योंकि मेरे आते तक तो गैस शैस चली जाएगी लोड शेडिंग पर, तो पहले मैं खाना बना लूँ। तो बस बच्चे अभी खेल रही पापा के साथ, चीज़ें वीज़ें मैंने समेटी हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी पड़ी हैं, मैंने सोचा पहले खाना बना लूँ कहीं लाइट ना चली जाए। तो बस ही आगे आगे रेसिपी देखें कैसे बनती है कलेजी। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी मैं डालूँगी इस पे लाल मिर्च, बस नमक मिर्च और हल्दी, मैं तीन चीज़ें डालनी है, साबुत धनिया और जीरा इसमें डाल दिए। तो बस ये तीन चीज़ों से मैं बनाती हूँ। साथ साथ में जल्दी सी चीज़ें समेट देती हूँ ताकि टाइम ना लगे। और अभी मेरा बहुत सारा किचन जो है ना सब गंदा हो रहा है, अभी इसको मैं मिनटों में क्लीन करूँगी। पहले मैं ये कर रही हूँ, ये देख लीजिए ये हो गया ब्राउन और गोल्डन ब्राउन हो गया, ठीक है सारा। अब इस स्टेज पे हम इसके डालेंगे अदरक लहसुन। तो अभी देखिए मैं डालती हूँ, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिए, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बनता है ये। यार एक तो ये हाथ से शूट करना ना बहुत मुश्किल हो गया, पूरा कैमरा हिलता रहता है, इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे जल्दी। और उससे पहले तो मुझे पतीले का कुछ करना पड़ेगा, मुझे वो कढ़ाई लानी है। पहले मैं ये वाला लाई थी नॉन स्टिक वाली, ये ख़राब हो गई, तो अब मुझे दूसरी लानी है जो कढ़ाई टाइप होती है। यार जो मैंने टमाटर टमाटर काट के रखे कितने मज़े के लग रहे हैं नॉर्मल, तो मैं ये ऐड कर दूँगी और इनको आप थोड़ा सा हिलाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको मैं दम पे रख दूँगी। थोड़ा
थोड़ा सा फ्राई किया और अभी इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डाल के जो है ना अब इसको मैं थोड़ा दम पे रख दूँगी ताकि जो है ना टमाटर गल जाए। जब तक मैं धनिया और हरी मिर्च इसके लिए काट लूँगी और गार्निश के लिए, और उसके बाद ये सारा समेट दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो सारे मैंने बर्तन छर्तन धो लिए, बस ये पड़े हैं चीज़ें वीज़ें समेट लिए, सारे रख दिए ऊपर दूध आके। बस अभी थोड़ा सा काम करते हैं वो भी मैं खुद करती हूँ। पहले सालन को देख लूँ, ये देखूँ इसको दम पे रखा और अब ये इतना रेडी हो चुका है। अब इसको दो मिनट में भूनती हूँ, फिर लेजी ऐड करूँगी और उसको भी थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद इसके ऊपर ये धनिया और मिर्ची डाल दूँगी। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। और ये बड़ी मज़ेदार से मसाले वाली बन गई। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया। इसमें कलर बहुत डार्क आ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बाहर हमेशा की तरह। आप जा तो रहे हैं, पता नहीं जाते कहाँ हैं। बच्चे ज़िद कर रहे हैं पार्क जाने के, आप देखें पार्क जाते हैं या सामान लेने जाते हैं, क्योंकि निकलते निकलते हमें यही हमेशा यही टाइम हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे वो भी लेने हैं, और सॉक्स वगैरह क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो अभी देखते हैं, चलिए। शाज़िन चले चले पीछे बैठाओ शाज़िन। ईशल ईशल शाज़िन नो इधर आ जाए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ही आगे गए और बाइक थोड़ी मिसिंग कर रही थी, तो उसके टायर में हवा शवा कम थी, फिर हम वो डलवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आगे थोड़ा सा पार्क है वहाँ पे जाएंगे। बच्चों ने कुछ राइड्स वाइड्स लेनी है। और ये बाइक नहीं, ये सौतन है मेरी, इनसे इतना प्यार है। बोले इशू नो नो। तो यहाँ पे हम पहुँचे तो पार्क के क्लोज़ होने का टाइम हो गया था, तो बस ये पार्क छोटे मोटे राइड्स थी, बच्चों ने यही लिए। और अभी ईशल की बारी है, ये ले रही है, फिर शाहजहाँ लेंगे। तो बस बच्चों के भी इंजॉयमेंट हो गया, इतना ही टाइम था। तो यार थक जाएंगे, बस कर दें। तो यहाँ पे हम मार्केट से होके आ गए थे, बच्चों ने बस चेंज वेंज किया और छोटी मोटी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। आजकल 9 बजे मार्केटें वगैरह बंद हो जाती हैं। और उसके बाद घर आके बच्चे ऐसे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर तो सब कुछ बंद हो गया था। बस थोड़ी देर में हम लोग आ गए थे, 2-2.5 घंटे में, वो भी घूम घूम के। तो बस यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और घर में। अरे लग जाएगी। अरे बस बस इधर जाके रोक दें, हटो, अभी ये गिर जाता है अल्लाह का नाम। शादीन बाय दादा, बस।
तो यहाँ पे पहले हस्बैंड ने ईशल और शाज़ीन को झूले दिए और उसके बाद अब ईशल की बारी थी। तो ईशल का हाल आप देख ले, ईशल से बिल्कुल भी नहीं हिलाए जा रहे थे और यहाँ पे मैंने इनको खींचा था। शाज़ीन भी पी चला रहे हैं। शाज़ीन दावी बेटा छोड़ दो, सांस फूल जाएगी, छोड़ो। पीप पीप पीप। ये जी अभी हम खा रहे हैं खाना, रात का खाना ये हस्बैंड लेके आए, टिक्का मैंने बनाया, मैंने बनाया पक्का। ये है टिक्का, इसके साथ ये चटनी और ये वाली बहुत मजे की होती है, और ये शॉर्मा मेरे लिए, और ये मेरा, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाएंगे। झूठ, सारा झूठ। यहाँ पे तो यहाँ पे हम आते हुए खाना भी ले आए थे, घर पे खाना बनाया था लेकिन बच्चों ने भी नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया। बाहर से हम जब आ रहे थे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, फिर हम सराहा नहीं कि हमने ले लिया। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब अपना ख्याल रखिएगा। और स्पेशली थैंक्स बाबर भाई ने मुझे मैसेज किया था और एक और भाई थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।